गाइज रेडमी नोट 11 में यार MIUI 13 और एंड्रॉयड 12 जो है वो इंडिया में आ चुका है। इसके बारे में तो ऑलरेडी आपको पता है, इवन आपने अपडेट भी किया होगा, लेकिन यार बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि एंड्रॉयड 12 और MIUI 13 आने के बाद भी अभी नहीं मिले हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिस्टम विजिट्स के बारे में, तो ये जो ऑफिशियल सिस्टम विजिट है अभी भी हमारे डिवाइस में जो है वो रिसीव नहीं हुए, ये फीचर जो है वो अभी नहीं आया है। लेकिन अगर आप अपने रेडमी नोट 11 में ये वाले जो सिस्टम के विजिट्स हैं वो लगाना चाहते हैं तो भाई यहाँ से लगा सकते हैं। कैसे लगाना है, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप इसको अपनी होम स्क्रीन पे यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ, जिसमें कोई भी रूट या TWRP की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपके फ़ोन से आराम से लग जाते हैं, बट इनको आपको लगाना पड़ेगा, ये खुद से यहाँ से प्लेस नहीं होंगे, क्योंकि ये जो ऑफिशियल फीचर है विजिट वाला वो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी ऐड नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसको प्लेस कर सकते हैं। और गाइस चैनल पर अगर पहली बार है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी रेडमी नोट 11 से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो भाई एक लाइक ज़रूर है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो चलिए गाइस देखते हैं कि भाई हम अपने होम स्क्रीन पर ये जो विजिट्स हैं सिस्टम के उनको कैसे प्लेस कर सकते हैं अपने रेडमी नोट 11 में, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने इनको प्लेस किया हुआ है और इनको मैं एडजस्ट भी कर सकता हूं, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूं, जहां चाहूं वहां प्लेस कर सकता हूं। तो फिलहाल ये मैं सारे विजिट्स हटा देता हूं, उसके बाद मैं आपको ऑफिशियल तरीके से प्लेस करके दिखाता हूं कि किस तरीके से ये सारे विजिट आप अपने रेडमी नोट 11 में यहाँ पर लगा पाएंगे। तो उसके लिए भाई आपको एक्टिविटी लॉन्चर एक एप्लीकेशन है जो डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम दोनों ही जगह दे दूंगा। बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है ये। क्या होता है, ये जो हमारे फ़ोन में हिडन फाइलें होती हैं उनको यहाँ पर इनेबल कर देता है, तो उससे आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अपने फ़ोन में यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे भी ये ओपन होगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, उसके बाद यहाँ पर ऐप्स वॉल्ट का ये फीचर जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये जो ऐप वॉल्ट है इस पर आपको क्लिक कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर एक फीचर मिलेगा देखेंगे पिकर बिजनेस डिटेल इस टाइप का, लेकिन इसके नीचे आपको देखेंगे पिकर बिजनेस होम पेज, इस पर आपको क्लिक करना। तो ये सारे जो विजिट्स हैं सिस्टम के ये यहाँ पर प्लेस करने के लिए लेकर आ जाएगा। हम क्या करेंगे, हम इसका एक शॉर्टकट जो है वो क्रिएट कर लेंगे। तो क्रिएट अ शॉर्टकट पर क्लिक कर दिया है, तो ये शॉर्टकट जो है वो यहाँ पर आ गया होगा। हम देख लेते हैं कहाँ पर आया नहीं आया, तो आप उसको दोबारा से भी प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये बढ़िया चीज़ है, कभी कभी नहीं भी आती है, लेकिन आप इनसे जितने भी सिस्टम के विजिट हैं वो लगा सकते हैं, जो कि यार एक काफ़ी अच्छा वे है और काफ़ी सारे जो नए विजिट्स हैं वो प्लेस कर पाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे हमें प्लेस करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे जो विजिट्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये वाला जो विजिट है मुझे लगाना है, इस टाइप का भी आप लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से, बहुत सारे मिलेंगे। तो मैं ये वाला जो है प्लेस कर देता हूँ, तो देख सकते हैं ये मेरे होम स्क्रीन पे प्लेस हो चुका है, ये वाला जो विजिट है वो यहाँ पर आ चुका है। अब मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ, उसके साथ और भी मुझे काफ़ी सारे जो विजिट हैं वो चाहिए, तो फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद ये वाले जो विजिट्स हैं मैं ये वाले भी ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, बहुत सारे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये विजिट मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसको भी होम स्क्रीन पर प्लेस कर देता हूँ, तो देखेंगे ये वाला विजिट भी यहाँ पर आ चुका है। तो ये जो सारे विजिट्स हैं वो आराम से आप यहाँ से प्लेस कर सकते हैं और इनको एडजस्ट एंड मॉडिफाई भी आप कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे ये वाला जो वेदर का विजिट है इसको भी मैं प्लेस करके दिखाता हूँ, जो ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी सही तरीके से काम भी कर रहा है। तो आप यहाँ से देखेंगे कुछ इस तरीके से ये वेदर का आ जाता है, इसको इसकी जो लोकेशन वगैरह है वो आप ओपन कर दीजिए तो ये वाला विजिट आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर अगर होम स्क्रीन पर इस जगह पर लगाना चाहते हैं तो ये कुछ चीज़ें हटाना पड़ेंगी, क्योंकि इसको काफ़ी सारी जो है प्लेस चाहिए होता है। अभी मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाता हूँ एडजस्ट करके, अब देखेंगे ये वाला यहाँ पे आ चुका है। और भी जो विजिट्स आप यहाँ लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से कर पाएंगे, लेकिन आपको यहाँ से स्पेस काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा। ये वाला देख सकते हैं, ये वाला विजिट यहाँ पर आ चुका है। अभी मैं ये वाला अगर लगाना चाहूँ तो ये भी मैं वहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं ये वाला भी विजिट आ गया। अभी आप होम स्क्रीन पे ये सारे विजिट एक्सेस कर सकते हैं, ये सारे ही विजिट हैं, ऐसा नहीं कोई डमी चीज़ है, ये सारे विजिट्स हैं और सही तरीके से बिल्कुल काम करते हैं। तो ये इस तरीके से जितने भी विजिट्स हैं वो आप अपने होम स्क्रीन पे रेडमी नोट 11 में आराम से प्लेस कर सकते हैं, जिसके लिए कोई भी रूट TWRP किसी चीज़ की भी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। और आने वाले टाइम में ये अगर ऑप्शन आता है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ से अगर आप जो विजिट लगाएंगे वो मिलते ही नहीं है, क्योंकि ये फीचर जो है वो अभी इनेबल यहाँ पर नहीं हुआ है। इवन यहाँ पर मैं बात करूँ तो भाई एंड्रॉयड 12 भी आ गया है, MIUI 13 भी यहाँ पर आ चुका है, लेकिन विजिट्स अभी भी स्टिल यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, जो कि यार काफ़ी डिसअपॉइंटिंग वाली चीज़ है, क्योंकि अभी तो ये चीज़ Xiaomi को यहाँ पर देना चाहिए था। एंड्रॉयड 12 भी मिल चुका है, क्योंकि एंड्रॉयड 12 के साथ काफ़ी सारे जो फीचर्स थे वो मिलने वाले थे, जो कि अभी भी नहीं मिले हैं। तो देखेंगे यार कौन कौन से अपडेट, कौन कौन से फीचर जो है यहाँ पर आते हैं, लेकिन विजिट आप यहाँ पर लगा पाएंगे। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स उसको शेयर करें, भाई चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी लॉट्स ऑफ वीडियोज़ रेडमी नोट 11 से रिलेटेड मिलते रहेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।